तो फ्रेंड एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ONG अब हम क्या करें में। तो फ्रेंड मार्केट में अभी काफ़ी और एकदम फ्रेश हरे हरे मटर अभी आ रहे हैं और यही बिल्कुल सही समय है कि अभी हम मटर को स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हमें साल भर मटर की ज़रूरत पड़ती है। हम कई सारी सब्जियों में, पुलाव में मटर का इस्तेमाल करते हैं और साल भर हमें मटर मार्केट में मिलते भी नहीं हैं। अभी अभी काफ़ी अच्छे एकदम फ्रेश और एकदम हरे मटर आ रहे हैं मार्केट में और अभी काफ़ी सस्ते भी हैं मटर। तो यही बिल्कुल सही समय है कि अभी हम स्टोर करके इन्हें रख सकते हैं। आप एक आध महीने के बाद में ही देखेंगे कि जैसे हम मार्केट से मटर लेके आएंगे ना, तो ऐसे फ्रेश मटर नहीं मिलेंगे, थोड़े सूखे हुए या फिर ऐसे मटर मिलेंगे जिसमें जो हमें टेस्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड अगर साल भर के लिए हमें मटर को स्टोर करना है तो ये मटर बिल्कुल परफेक्ट है साल भर स्टोर करने के लिए, क्योंकि जैसे हम रूखे सूखे मटर को अगर स्टोर करके रख भी लेते हैं तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर स्टोर करना है तो इस तरह के मटर स्टोर करें, एकदम फ्रेश। देख सकते हैं आप कितने फ्रेश है ये मटर। और इस मटर के अंदर एक ख़ास बात ये भी है कि ये जो मटर है ना फ्रेंड, इसके अंदर एक स्वीटनेस ही, ये कुदरती स्वीटनेस ही है इसके अंदर, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये देख सकते हैं आप, तो ये करीबन 2 किलो मटर है जो छीलने के बाद में करीबन आधा किलो, तो उसके छिलके निकल गए होंगे तो करीबन 1.5 किलो मटर होंगे ये, जिन्हें मैं स्टोर करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो मटर के दाने हैं क्या करेंगे हम, थोड़ी सी देर के लिए इन्हें पंखे के नीचे रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। इस तरह से हम फैला के पंखे के नीचे रख देंगे, इसमें थोड़ी बहुत जैसे नमी रहती है ना, छिलके के अंदर थोड़ा सा गीलापन रहता है तो वो सूख जाएगा। तो इस तरह से हम 1-2 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर इन्हें स्टोर करेंगे। तो मैं आपको स्टोर करने के लिए बिल्कुल ऐसा तरीका बताऊंगी जो इजीली हमारे घर में ये पोली वगैरह आसानी से मिल जाती है। देखिएगा इस तरह की पोली बैग, जैसे हम कपड़े वगैरह लाते हैं ना उसके अंदर इस तरह की पोली बैग रहती है, तो उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ संभाल करके। तो ये इस तरह की चीज़ें स्टोर करने के बहुत ही अच्छे से काम आ जाती है, इस तरह की पोली बैग। और मैं दिखाती हूँ आपको, देखिएगा मेरे पास में कुछ ऐसी पोली बैग है। आप बोलेंगे कि क्या पागल औरत है, किस तरह की चीज़ें बता रही है हमें, पर फ्रेंड सच में मैं ऐसी कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, हर चीज़ को मैं संभाल करके रख लेती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें रहती है। ये देखिएगा ये जो चाय की पत्ती की जो मेरे पास ये थैली है, देखिएगा पोली बैग है, इसका लाक इतना बढ़िया रहता है, इतनी एयरटाइट रहती है फ्रेंड ये, कि हम कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश रहती है। जैसे चाय की पत्ती कितने दिनों तक एकदम फ्रेश रहती है, उसमें चाय की पत्ती की खुशबू बिल्कुल बरकरार रहती है, उसी तरह हम दूसरी चीज़ें भी कोई भी इसमें स्टोर करके रखते हैं ना फ्रेंड तो बिल्कुल उसी तरह की रहती है। तो मैं वो मटर वगैरह सब भी स्टोर करती हूँ, जैसे ये नमकीन का पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नाकोड़ा के जो नमकीन आते हैं ना फ्रेंड, इसके जो पैकेट में जो लाख रहता है वो 1 नंबर लाख रहता है, इसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं इसी में आपको ये मटर के दाने स्टोर करके बताऊँगी। और आप लेकिन मानिएगा साल भर तक आप स्टोर करके रखें, ना तो इसमें बर्फ़ जमेगी ना ही ये दाने आके ख़राब होंगे। और इसका लाख इतना फर्स्ट क्लास रहता है फ्रेंड कि इसमें ना तो एयर जाती है ना ही नमी जाती है इसके अंदर। ये आधा पैकेट भर लेते हैं हम, पूरा पैकेट नहीं भरेंगे, ये आधा पैकेट भरने के बाद में इस तरह से हमें बंद करना है। देखिएगा इसमें लाख रहता है, तो आप ऐसा प्रेस करेंगे ना तो बिल्कुल इसका लाख इस तरह से बंद हो जाता है। देखिएगा एकदम बढ़िया तरीके से ये बंद हो गई है,
हमें बाज़ार से कोई पोली वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जब भी आपके घर में चाय पत्ती वगैरह के पैकेट निकले तो फेंके नहीं, स्टोर करके ज़रूर रख ले, तो ये छोटे मोटे काम में आ जाते हैं हमारे। तो इस तरीके से दूसरा जो नमकीन का पैकेट है मेरे पास में दिखेगा, तो इन्हें मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। नमकीन खाली करने के बाद में अच्छी तरह से मैंने इन्हें धो के एकदम सूखा लिया है। उसके बाद में ये मटर स्टोर कर रही हूँ इसमें। तो जब इस तरह से हम इसमें मटर स्टोर करके रखते हैं ना, मैं पिछले साल भी मैंने स्टोर करके रखे थे, फिर मेरे मटर एकदम बिल्कुल ऐसे कैसे फ्रेश के फ्रेश रहे, इसलिए मैंने सोचा कि इस साल में इस चीज़ का वीडियो बना के ज़रूर से शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी काम आ सके और इस तरह के पैकेट आप फेंके नहीं। ये देखिएगा बहुत ही ईजीली, और इसका सबसे बढ़िया इसका लाभ बहुत ही बढ़िया रहता है, और आपको जब भी ज़रूरत हो आप इसमें से निकाल सकते हैं। देखिएगा ये 1.5 किलो मटर इस तरह से ये स्टोर हो गए हैं, और आप इसे फ्रीजर में आराम से रख के साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बल्कि साल भर से ज़्यादा भी रख सकते हैं, बिल्कुल ही फ्रेश बने रहेंगे ये मटर। आपको जब भी ज़रूरत हो बस इस तरीके से लाख खोलिएगा और तो थोड़े से मटर, जितने भी आपको मटर की ज़रूरत हो उतने निकाल लो, और बस ये देखिएगा बस इस तरह से हमें प्रेस करना है, और ये लाख देखिएगा ये बंद हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि चाय की पत्ती वगैरह यूज़ करके ऐसे पैकेटों में फेंक देते हैं, पर मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ यहाँ पर, इनका हमेशा इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। जैसा हरा धनिया अगर स्टोर करना हो तो मैं इस तरीके से 1 महीने तक आराम से इसमें हरा धनिया भी एकदम फ्रेश रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और मटर वगैरह तो हम 1.5 साल तक आराम से रख सकते हैं, इसमें मटर बिल्कुल भी नहीं होती है। ये देखिएगा इस तरह से हम स्टोर करके रख सकते हैं। फिर तो ये ट्रिक आपको कैसे लगे है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। एक और मैं तरीका आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ यहाँ पर स्टोर करने का, चलिए फटाफट से वाला तरीका भी हम देख लेते हैं कि वो दूसरा तरीका कौन सा है। मैंने यहाँ पर ये आधी ये देखिएगा आधे तपेले से भी कम मैंने यहाँ पर पानी लिया है। इस पानी को हम उबलने देंगे, एक बॉयल आने देंगे इसमें, और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा ये हम मटर इसमें डाल देंगे, और मटर डालने के बाद में एक बॉयल और आने देंगे हम इसमें। ये देखिएगा इस तरीके से बॉयल आ गया है पानी में। अब हम गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे, और मटर हम एक छन्नी में निकाल देंगे इस तरीके से, सारे मटर को निकाल के छन्नी में निकाल के हमें इस तरह से इसका पानी निकालना है। स्ट्रा का जितना भी पानी है हम निकाल देंगे इसका, और पानी निकालने के बाद में क्या करेंगे, ये ठंडा पानी है एकदम, मैंने फ्रीजर से पानी निकाला है, ये फ्रीजर में मैंने पानी ठंडा होने के लिए रख दिया था, इसी एकदम ठंडे पानी में मैंने डाल दिए मटर। इसके बाद में थोड़े से आइस क्यूब है, ये बर्फ़ थोड़ी सी डाल देते हैं, और बस डालने के बाद में 5 मिनट तक हम इस तरह से रहने देंगे इसे बर्फ़ के ठंडे पानी में। तो इस तरह से भी आप मटर को स्टोर कर सकते हैं। ये देखिएगा करीबन 5 मिनट हो गए हैं, अब ये पानी भी हम हटा देते हैं, इसी छन्नी में हम इस मटर को डाल देते हैं, वो जितना भी पानी है ना वो हम हटा देंगे इसका। बस 2 मिनट हम छन्नी में रहने देंगे मटर को, ताकि जो एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये कपड़े पर इस तरह से थोड़े से फैला देंगे, और बस थोड़े से हम इन्हें ड्राई होने देंगे, इसमें नमी नहीं रहने देंगे, नहीं तो ये मटर ख़राब हो जाएगी। तो कपड़े पे फैला करके हम इस तरह से छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और जब इसकी नमी पूरी तरह से निकल जाएगी, इसे ड्राई हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे कि एक पॉली बैग में ले करके हम इन्हें भर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम थोड़े से हल्के हल्के से प्रेस करके जितनी भी नमी है ना इसके अंदर वो हमें निकालना है। अगर हमें नमी नहीं निकालेंगे या फिर गरम गरम मटर को हम भर देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिएगा बिल्कुल ठंडे हो गए हैं,
वो जितना भी पानी था ना, इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, एकदम ड्राई हो गए हैं ये मटर हमारे, ये देखिएगा। तो इन मटर को हम हवा आराम से हम स्टोर करके इन्हें रख सकते हैं, ये देखिएगा। इस तरह की मैंने बताया ना कि जो हमारे यहाँ इस तरह की पॉलीथीन वगैरह रहती है, उसमें हम आराम से स्टोर करके इन्हें रख सकते हैं। बस इसमें लाग भी रहता है, ये देखिएगा, इस तरह से हमें लाग को चिपका देंगे, ये देखिएगा। और बस इसे हम फ्रीजर में रख देंगे। तो फ्रेंड, ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मटर स्टोर करने की? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसी तरह के आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिएगा, इस तरह से हम इस पॉली बैग को फ्रीजर में रख देंगे, और जब ज़रूरत होगी हम इसमें से मटर निकाल लेंगे, लाख लगा करके फिर फ्रीजर में रख देंगे। फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।